दिनांक 7/9/2022 को विधायक प्रतिनिधि किरनापुर और जनपद सदस्य जनपद पंचायत किरनापुर मुकेश सिंह चौहान द्वारा किरनापुर पत्रकार संघ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुकेश सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि दो दिन से मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य चैनल और यूट्यूब चैनल पर ये दिखाया जा रहा है कि हमारी विधायक सुश्री हिना कावरे मैडम जी ने कांग्रेस को विखंडित कर दिया। हमारा कहना है कि जिस तरीके से आशुतोष बिसेन जी और दल सिंह पंद्रे जी अपने कथन दे रहे हैं, हम उनके विचारों का घोर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि पूंजीपति को संरक्षण दिया जा रहा है, कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, क्षेत्र और जिले में राजनीतिक संगठन बनाए हिटलर शाही चला रही है, आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। क्या सबक सिखाएगी? बालाघाट में बैठकर किरनापुर में सबक वाली बात कांग्रेस के बैनर तले करना क्या उचित है? हिना कावरे मैडम को क्या सम्मान लेने शिक्षक दिवस के दिन नहीं जाना चाहिए था क्या? जिला पंचायत में यदि सम्राट अध्यक्ष बने तो उनकी रैली में जाकर हिना कावरे जी दूसरी बार विधायक है, विधानसभा जिला पंचायत में यदि सम्राट शानदार संचालन कर चुकी है, यदि ये उपलब्धि हिना कावरे जी के कुछ असंतुष्ट कांग्रेसी को हजम नहीं हो रही तो उसमें हिना कावरे मैडम क्या कर सकती है? सीधे सीधे धमक वाली बात क्या कांग्रेस के कुछ विघ्न संतोषी लोगों को उचित प्रतीत होती है क्या? लांजी किरनापुर की जनता हिना कावरे जी के बारे में सब जानती है। भारी जन समर्थन हिना कावरे मैडम के साथ हर समय रहा है और आने वाले समय में आपकी बातों का जवाब जनता खुलकर देगी। जिला पंचायत का चुनाव अलग बात है और हिना कावरे मैडम पर आरोप लगाकर आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? हम हिना कावरे मैडम पर लगाए गए सारे झूठे आरोप का किरनापुर लांजी क्षेत्र की जनता की ओर से आरोप लगाने वालों को जवाब मिलेगा। अपने खुद के स्वार्थ के लिए विधायक मैडम पर आरोप का हम विरोध करते हैं और हमारी नेता के साथ पूरा जिला कांग्रेस संगठन और हमारा क्षेत्र पूरा समर्थन करता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद सदस्य हरीश लिल्हारे और जनपद सदस्य मनीष भिमटे भी उपस्थित थे। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। मुद्दे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे मुकेश सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि किरनापुर और जनपद सदस्य किरनापुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में की जा रही है, अभी मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही है कि हमारी विधायक हिना कावरे मैडम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। अभी यूट्यूब चैनल वगैरह पर सम्माननीय आशुतोष बिसेन जी, दल सिंह पंद्रे जी, इन्होंने हिना मैडम पर आरोप लगाया है, तो मुझे जो जानकारी है और जानकारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि सम्राट सिंह सरस्वत जी जो अध्यक्ष बने, ये 14 लोग कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, ये जब भोपाल गए थे तो सम्माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि जितने ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जिस व्यक्ति को वोट करेंगे वही जिला पंचायत अध्यक्ष पद का दावेदार होगा, और जैसा कि देखने में आया कि सम्राट सरस्वत जी को 8 वोट और श्रीमती केसर बिसेन जी को 6 वोट मिले, तो हिना कावरे जी ने कमलनाथ जी की बातों का ही समर्थन किया है, कांग्रेस का ही समर्थन किया है, और जो मतलब जिला पंचायत के सदस्य चाह रहे थे ज़्यादा बहुमत सम्राट जी के साथ था, तो कहीं से भी हिना मैडम का सम्राट को समर्थन देना कहीं से भी गलत नहीं है और कहीं से भी कांग्रेस तोड़ने वाली बात नहीं है या हिटलर सही वाली बात नहीं है। हर समय हिना मैडम ने कांग्रेस को लेकर चला है और आगे भी वे कांग्रेस को लेकर के चलेंगी, और जैसे ही मतलब आला कमान का निर्णय और जो निर्देश होता है आज तक हिना कावरे मैडम ने उसका पालन किया है, भविष्य में भी करते रहेगी। उनके ऊपर जो मनगढ़ंत आरोप या शंका जाहिर की जा रही है ये कहीं से भी सही नहीं है। हम सब कांग्रेसी एक हैं और हम श्रीमती सुश्री हिना कावरे जी के नेतृत्व में पूरा जिला कांग्रेस और हमारी किरनापुर लांजी विधानसभा एक साथ है।